से कुछ घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताएंगे 2024 के चुनाव में 400 सीट कैसे लाएंगे। कल दोपहर 1:15 पर बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में पीएम मोदी का संबोधन है। दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है। आज पहले दिन दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। नड्डा का भाषण जब खत्म हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके कंधे पर हाथ रखकर थपथपाते दिखे। वीडियो देखकर लग रहा है कि नड्डा के भाषण से पीएम मोदी बहुत खुश हो गए। ये खुशी शायद इसलिए थी क्योंकि नड्डा ने पीएम के 370 सीटें जीतने के लक्ष्य को बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में विस्तार से रखा। लेकिन यह सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर 15 घंटे बाद दिखेगी जब कल बीजेपी अधिवेशन के समापन भाषण में पीएम मोदी कार्यकर्ताओं को चुनावी लक्ष्य का पूरा करने के लिए एक मंत्र देंगे। आपको दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य देगा और एनडीए को 405। अब की बार एनडीए सरकार 405। 2024 के आम चुनाव का शंखनाद होने से पहले आज दिल्ली के भारत मंडपम में बीजेपी मंथन कर रही है। प्रधानमंत्री जिस 370 के नंबर को बार बार जनता के बीच ले जा रहे हैं, आज उस नंबर की अहमियत बीजेपी के छोटे छोटे कार्यकर्ता से लेकर केंद्रीय मंत्री तक चर्चा का केंद्र बनाए हुए हैं। बीजेपी अपने सहयोगियों यानी एनडीए की सीटों को भी 400 पार ले जाने की रूपरेखा तैयार करने में जुटी हुई है। साफ है बीजेपी अब 2024 के रण में उतरने के लिए अंतिम तैयारी कर रही है और इस रण में उतरने से पहले बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद कर रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो बलिदान दिया था, डॉक्टर मुखर्जी जी को ये 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। 2024 के चुनाव में करीब 100 दिन बचे हैं। चुनावों की तारीखों की घोषणा होना बाकी है, लेकिन दो दिन के महामंथन में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लक्ष्य इंडिया गठबंधन को शिकस्त देने के लिए रखे हैं, जो लक्ष्य 370 सीटों को जीतने के लिए रखे हैं, यानी सत्ता की हैट्रिक लगाने के लिए रखे हैं, उसमें पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक नेता खरा उतरे। इसलिए आज भारत मंडपम में केंद्रीय मंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक से लेकर जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रमुख, पंचायत प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख स्तर के नेता भी हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ पार्टी का झंडा बुलंद करके किया गया तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी से कमल खिलने के लिए भी पार्टी के पदाधिकारी और उत्साहित दिखे। प्रधानमंत्री बीजेपी के नेताओं को पिछले 10 साल की विकास यात्रा की झांकी भी यहां दिखा रहे हैं। दरअसल बीजेपी विकास की राह पर 2024 में जीत दर्ज कराना चाहती है, इसलिए आज 2024 में कमल खिलाने के लिए चार अक्षरों का शब्द ज्ञान मंत्र के तौर पर बीजेपी के नेताओं के सामने रखा गया, जिसकी फुल फॉर्म है जी से गरीब, वाई से युवा, ए से अन्नदाता और एन से नारी। यानी अब पार्टी इसी ज्ञान के रास्ते से 2024 के रण में विजय गाथा लिखना चाहती है। इसका जिक्र आज पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने भी भाषण में किया है। जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता और एन फॉर नारी शक्ति। अगर गरीब की चिंता हो गई, अगर युवा की चिंता हो गई, अगर अन्नदाता की चिंता हो गई, अगर महिलाओं की, नारी शक्ति की चिंता हो गई, तो देश की और समाज की चिंता हो जाती है। इस बात को आगे रखा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर पीएम मोदी कैसे 370 के आंकड़े का जिक्र बार बार कर रहे हैं। अब हमारी सरकार का तीसरा कार्यकाल भी बहुत दूर नहीं है और अब की बार पूरा देश कह रहा है, अब की बार खड़गे जी भी कह रहे हैं। विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं, 24 में 400 पार। आपका आशीर्वाद है, अब की बार, अब की बार, अब की बार
एनडीए सरकार 400 पार। माना जा रहा है कि पीएम मोदी ने यूं ही इस नंबर का जिक्र नहीं किया, इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है, एक सीक्रेट प्लान है जिस पर इस महामंथन के दौरान पीएम मोदी अपने भाषण में जिक्र भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। माना जा रहा है कि इस दौरान पीएम मोदी बीजेपी के मिशन 370 को पूरा करने के लिए कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र देंगे, जिसमें धारा 370 हटाने से लेकर राम मंदिर बनाने जैसे मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की अहम उपलब्धियों का भी जिक्र हो सकता है। और मंदिर बनाने का जो संकल्प था और जहां संकल्प था, मंदिर वहीं पे बना है, इसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय महाधिवेशन अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता है, उनका स्वागत करता है और आभार व्यक्त करता है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जानते हैं कि अगर 370 प्लस का जादुई आंकड़ा छू लिया तो 2024 में बीजेपी के पक्ष में अप्रत्याशित परिणाम होंगे। आज उत्साह हम सबके मन में है, हम उत्साहित हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ प्रफुल्लित भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमको चेतन अवस्था में रहते हुए पूरी ताकत के साथ 370 पार करना है और एनडीए को 400 लाना है, उसके तरफ हमको आगे बढ़ना है। अब अगर आप 2019 के चुनाव से पहले 370 के आंकड़े को याद करें तो तब जम्मू कश्मीर में धारा 370 की गूंज पूरे देश में सुनाई दी थी। नतीजा ये हुआ कि कमल पहले से ज्यादा खिला और खूब खिला, और अब 2024 में भी 370 का नया चेहरा बीजेपी के लिए बड़ी जीत लेकर आ सकता है। दिल्ली से रविंद्र कुमार और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।